महावीर अपना लौंडा यार तुम लोग। ऑफिशियल से इनको बैन मिला है पर्टिकुलर ऑर्ग पे टारगेट करके। जाने वाले वापस आएंगे क्या? सीजी का जो पहले हो सकता है कि अभी दो दिन कल ड्राई रन है मोस्टली, और अभी सुबह से शूट वूट सब चल रहा था, तो अब हम लोग फ्री हुए हैं। फ्री क्या हुआ है, मैं शूट रैप करके आया हूँ, कुछ शूट बाकी इंटरव्यूज एंड ऑल आपको बताया, जो चीज़ आप लोगों को BGMS के टाइम पे देखेगा स्क्रीन पे। ओनली ऑडियंस इज अलाउड, अरे यार अनफॉर्चुनेटली ऑडियंस अलाउड नहीं है यार। मैंने थोड़ा सुना कि यार लोग बोल रहे थे आफ्टर बैन परफॉर्म नहीं किया, गेम डाउन हो गया। ऑब्वियसली एग्री करता हूँ यार, मैं एक साल गेम नहीं खेला था बैन टाइम पे, मतलब एंडिंग मंथ में स्टार्ट किया था खेलने के लिए। अगर मैंने एक साल नहीं खेला था, मेरे को थोड़ा एक साल लगा वापस बैक ऑन ट्रैक। ऑब्वियसली मैंने चीज़ें ग्रांटेड ली थी, जो मेरी मिस्टेक है, मैं एग्री करता हूँ। मेरे को सीरियसली स्पोर्ट्स को लेना चाहिए था उस टाइम पे, तो उसके लिए हम लोग को बहुत सारी चीज़ों में हैम्पर हुआ। स्लॉट का क्या मैटर है भाई, देखो यार अनऑफिशियल से अनऑफिशियल में उनकी मर्जी, उनको जिसको भी स्लॉट देना है। यहाँ पर डिजर्विंग हो अनडिजर्विंग हो, मेरे हिसाब से डिजर्विंग सिर्फ टॉप 3 टीम होती है जिनको मिलता है। तो टॉप 3 टीम जो थी BGMS के, उनको तो वो लोग डिजर्विंग है, और बाकी कोई डिजर्विंग नहीं है मेरे हिसाब से। तो ये अनऑफिशियल है। अनऑफिशियल मतलब इट्स ऑल अबाउट द TO, इट्स ऑल अबाउट द व्यूअरशिप, इट्स ऑल अबाउट द एक्सपीरियंस, बस यही चीज़ है यार। डिजर्विंग वाला चीज़ ऑफिशियल्स में होता है, जहाँ पे लोग ग्राइंड करके ओपन क्वालिफायर से आके मेहनत करके एक एक ग्रुप स्टेज क्लियर करके आगे पहुँचते, वो होती है डिजर्विंग। तो अवार्ड भाई मैं कुछ हायर देखा, मैंने पढ़ा नहीं है यार, अब मेरे पास थोड़ा ये है ना, मैं थोड़ा बिजी हूँ तो मैं चीज़ों पर बोल नहीं सकता, कुछ कमेंट नहीं कर रहा, बट मैं एक बार मैटर पढ़ूंगा तो मुझे समझ आएगा। लगे अपना लौंडा यार सही कर रहा है लाइफ में। मैंने एक दो हाईलाइट देखी थी जहाँ पे ऐसा बोला था कि वी आर नॉट परफॉर्मिंग इन द टीम एक्सपर्ट 110%, परफॉर्म कोई नहीं कर रहा था, इसलिए तो हम लोग परफॉर्म नहीं किए और प्रूव नहीं कर पाए टीम एक्सपर्ट पे। एक प्लेयर से टीम खराब नहीं होती है, इस इन टीम स्पोर्ट हम सबके सब खराब खेल रहे थे, कोई एक अच्छा खेलता तो वो टीम कैरी कर सकते थे, सब खराब खेल रहे थे इसलिए हम अच्छा नहीं खेले। बट जो लोग अच्छा खेले इसलिए वो लोग चैंपियन बन पाए, वो है हमारी सारंग वाली लाइन। बहुत टाइम लगा उसके लिए भी, हम लोग इससे पहले थर्ड आए थे सारंग पुकार वाली लाइनअप, उसके बाद सारंग और शैडो वाली लाइनअप फर्स्ट आ गई। सो आई थिंक जो लोग अच्छा खेल रहे हैं उनको चीज़ें मिलती है। कुछ कमेंट्स पढ़े थे मैंने कि कोई कोई बोल रहे थे कि यार PMWL फ्री के स्लॉट में गए थे मेरे भाई उस टाइम पे। अगर आपको नहीं पता है, जो लोग नहीं आए आफ्टर लॉकडाउन, दलजीत को नहीं खेलना था टीम में, दे वॉन्टेड एन असॉल्टर, वहाँ पे कोई भी किसी को भी लिया जा सकता था। तो मेरे को क्वेश्चन क्या गया कि भाई क्या तो खेलेगा, मतलब हाँ भाई खेल लेंगे, क्या लोड है, अपने लौंडे सब तो खेल लिया, ये था कहानी ना। मैंने मेरे को कोई फ्री में स्लॉट मिला है ठीक है ना, पैसे देकर स्लॉट खरीदे जाते हैं, बहुत सिंपल चीज़ है। तो प्लीज़ थोड़ा सा आप रिसर्च करो तो आपको बदल जाएगा। बाकी महावीर अपना लौंडा यार, तुम लोग उसके नाम पे हेट फैलाओगे, तुम सोचोगे कि मैं कुछ बोल दूँ फिर तुम जाके उसको कुछ बोलोगे, यार हम इस चीज़ से आगे बढ़ चुके हैं, हमें इतना मैच्योरिटी है। मेरे को अब प्रूफ करना है, अपने लौंडे ने प्रूफ कर लिया, सेकंड आया वो, अनफॉर्चुनेटली जीत नहीं पाए क्योंकि हमारी टीम बेटर थी तो हमारी टीम जीती। बट मेरे को प्रूफ करना है खेल के, वो है टीम जी, हम उसको प्रूफ करने में फोकस करेंगे, ये आजू बाजू के डिस्ट्रैक्शन में नहीं जाना। तुम पता मैंने एक चीज़ नोटिस किया बहुत बार, क्या होता है ना कि एक्चुअल मुद्दा से डाइवर्ट करने के लिए कुछ लोग 10 चीज़ पर फोकस कर देते हैं क्योंकि एक्चुअल मुद्दा हट जाता है। बीच में बहुत गंदगी हुई थी कम्युनिटी में, वो चीज़ को हम बोलेंगे नहीं। एनीवेज गाइस, मैं कभी ऐसे वीडियो बनाता नहीं हूँ, ना मैं कभी लाइव आता हूँ, ना मैं कभी किसी को रिप्लाई देता हूँ, मैं ऐसा हूँ ही नहीं। मेरे को आज एक स्टोरी मिली, वो स्टोरी में लिखा गया था कि TM लेजेंड जो है उसको TWOB वाले क्यों खिला रहे हैं। अब मैं एक सिंपल सी चीज़ पूछता हूँ कि ये पर्टिकुलर प्लेयर बैन हुआ है? नहीं। जो भी बैन हुआ है, कौन हुआ है, किसकी वजह से हुआ है, आप प्लीज़ प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ले लो, उसके बाद आप कुछ ऐसी स्टोरी डालो, है ना। दूसरी बात कि TM में से सिर्फ ब्लैक्स अलाउड नहीं है कहीं भी खेलने को, उसके बाकी चारों प्लेयर्स कहीं भी खेल सकते हैं। लिया नहीं है, मैं इसके ट्रायआउट ही ले रहा था लेजिट के, मैंने इसके ट्रायआउट लिए है, अभी तक मैं ट्रायआउट ले रहा हूँ, मैं उसको देख रहा हूँ कि वो कैसा खेल रहा है। मैंने उसको बूट कैंप पर बुलाया है कि बूट कैंप पर बैठ के मैं उसके सामने देखी वो कैसा खेलता है, उसके लिए मैं उसको बूट कैंप भी बुलाया है, बूट कैंप बुला के मैं देख रहा हूँ उसको और वो अच्छा खेल रहा है। हमने जिससे परमिशन चाहिए थी सबसे परमिशन ले ली है और उसी हिसाब से हमने स्टेप बाय स्टेप काम किया है। मुझे बस एक ही पॉइंट रखना है कि एक प्लेयर, अगर मान लो आप खुद हो, अगर आप अच्छा खेलते हो और आपकी टीम में अगर ऐसा कोई है कि जो गलत कर रहा है और आपकी टीम डिस्क्वालीफाई हो गई,
तो आप मेरे को खुद बताओ कि अगर आप बहुत अच्छा खेलते हो तो आप एक चांस डिजर्व नहीं करते हो? मेरे को खुद को ऐसा लगता है कि सबको एक एक चांस देना चाहिए। और अगर इसकी पर्टिकुलर ऐसी कोई वीडियो है या ऐसा कुछ भी है कि जिसमें इसकी कोई गलती है, तो वो भी सारी क्लियर हो चुकी है, उसमें इसकी गलती कोई है ही नहीं। तो ये जो नीट एंड क्लीन है सारी चीज़ें, तो एक पर्टिकुलर ऑर्ग पे टारगेट करके ऐसे क्यों बोलना? मैं आपको एक लास्ट पॉइंट बताता हूँ कि अगर ऑफिशियल से इनको बैन मिला है तो फिर हमें परमिशन कैसे मिली? परमिशन मिली मतलब इस प्लेयर से कुछ लेना देना नहीं था, ये प्लेयर नीट एंड क्लीन था। सीजी का जो पहले हो सकता है वो अब हो रहा है, इफ यू नो यू नो सोल में घमंड, मेरे को कुछ उससे लेना देना नहीं। देखो मैं एक चीज से बता सकता हूँ, मैं और थग अगर हम लोग, चलो हम 3 साल पहले मिले, बट अगर हम लोग थोड़ा और अगर पहले मिल लिए होते ना, अगर हम लोग हाथ जोड़ लिए होते ना 2-3 साल से भी 2 साल पहले, मतलब मैं कब ज्वाइन किया, 2021 में आई थिंक मैंने ज्वाइन किया ना, 2021 में मैंने ज्वाइन किया, अगर हम लोग हाथ जोड़ लेते 2019 या 2018 में, आई थिंक हम लोग फाड़ देते। ऑलरेडी दोनों ने अपने अपने रीजन में, मतलब एरियाज में अच्छा खासा फाड़ा है। मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो जो चीज़ें हम लोग ने प्रेडिक्ट की ना जेन्युइनली, मतलब हम बातें करते हैं चीज़ों के बारे में, हम बोलते कि ये होगा वो होगा, आप देखना ऐसे होगा, आप देखना वैसे होगा, कसम से बता रहा हूँ, एकदम डिटेल में नहीं जा सकता मैं इसके बारे में कि एग्जैक्टली क्या क्या बातें, बट जो जो चीज़ें हम लोग ने प्रिडिक्ट की ना वो होती है, वो हो रही है। और विजनरीज है ब्रो हम लोग, सॉरी खुद का तारीफ नहीं करना चाहिए, बट ई स्पोर्ट्स के मामले में इतना क्रेजी नॉलेज और इतना क्रेजी गट फीलिंग है ना हम दोनों का कि मैं आपको बता नहीं सकता ब्रो। मैंने गॉड सुना आजकल बहुत बज रहे तू बाहर, गेम के बाहर नहीं भाई, गेम के अंदर मिल तू, स्क्रिम्स में। स्क्रिम्स? कौन सा स्क्रिम्स है? तो BGMS लेके आ रहा है आपके लिए मास्टर्स के साथ खेलने का मौका। करो रजिस्टर करो, अब तक के लिए मैं इसको देख लूंगा। बाहर तो अच्छे हैं, बाहर तो अपन अच्छे हैं। So, मेरे साथ स्काउट आ चुके हैं, उनसे कुछ सवाल जवाब करने वाले। तो स्काउट आप पिछले 2 सीजन से हो और ये 3rd सीजन है, तो क्या क्या एक्सपीरियंस आप करते हो BGMS में? आई थिंक ये वन ऑफ द बिगेस्ट लैंस है जो हमारे कंट्री में होता है, और आई पर्सनली फील ऐसा जो एनवायरमेंट रहता है ये होना बहुत जरूरी है। यहाँ पे ई-स्पोर्ट्स प्लेयर्स को एक मोटिवेशन मिलता है एक बड़े प्लेटफॉर्म पर कम्पीट करने का, तो एनवायरमेंट तो बहुत कॉम्पिटिटिव रहता है, बट एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, स्पेशली हमें वो चीज़ टीवी में देखने मिलता है, हम अपने पेरेंट्स को दिखा सकते हैं, तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स आते हैं। साथ ही साथ आप सबसे पुराने खिलाड़ी हो, अगर ऐसे देखें तो ई स्पोर्ट्स को आप कितना ग्रो होते हो देखो अपने पूरे समय में? तो भी ऑनेस्ट काफी ग्रो हुआ है, क्योंकि हम एक टाइम ऐसा था जहाँ पे पेरेंट्स हम लोग को रिकॉग्नाइज ही नहीं करते थे कि भाई गेम खेलना भी एक करियर है। आज के डेट में स्पोर्ट्स उस वे में प्रोग्रेस हो रहा है जहाँ पे हम लोग अपने पेरेंट्स को बता सकते हैं यार देखो स्पोर्ट्स में भी एक करियर है, हम यहाँ कम्पीट कर सकते हैं। ई स्पोर्ट्स बेसिकली स्पोर्ट्स बट इलेक्ट्रॉनिक वर्जन ऑफ दैट, बस वही चीज है। सेड भाई को आईजीएल बना लो यार, सेड भाई फिर पता ना सीधा कहाँ डालेंगे जाने वाले वापस आएंगे क्या? जाने वाले कभी वापस नहीं आते और हम वापस लेंगे भी नहीं। अभी अरे यार मैं तो मस्ती बोल रहा हूँ, क्या सीन है? अब तो हाईलाइट आएगा इसका, हाईलाइट। हेलो हाईलाइट वालों, मस्ती में बोल रहे हैं हमारा ऐसा कुछ भी आएगा। रॉनी रिप्लाई टू इसमें मैं थर्ड पार्टी नहीं करेंगे। सीजी का आईजीएल कौन है? ओमेगा। ऑडियंस लैन नहीं है ना? नहीं होगा ना फाइनल्स? फाइनल्स होगा मोस्टली, ऑडियंस आएगी फाइनल, फाइनल्स शायद। भाई होगा नहीं तो आएगी कहां से भाई? क्या होगा? क्या नहीं होगा? ऑडियंस नहीं होगा ना यार? होगा फाइनल में, बोल तो रहे हैं फाइनल्स में आएगी। आएगी किधर लेकिन? अरे आएगी भाई। गॉडलाइक वालों से बात हुई क्या निंजा भाई? हाँ एडमिनो और पंक से हुई थी, और बाकी मिले नहीं है, और मिलेंगे तो होगा।